छत्तीसगढ़ के मरवाही में उपचुनाव पूर्णतः शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। एक या दो जगहों पर ईवीएम मशीन के खराब होने की खबर आई थी, परंतु कुछ ही देर में मतदान फिर से प्रारंभ हो गया। 286 मतदान केंद्र थे, जिनमें से 3 आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए। 1,90,907 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया, जिसके बाद दोनों ही प्रत्याशियों बीजेपी से डॉक्टर गंभीर सिंह एवं कांग्रेस से कृष्णकांत ध्रुव का फैसला ईवीएम में कैद हुआ। प्रशासन ने कोविड-19 के चलते थर्मल स्कैन, हैंड ग्लव्स एवं मास्क का वितरण मतदान केंद्रों पर ही किया एवं मतदान केंद्र को 2 बार सैनिटाइज भी किया गया। भाजपा एवं कांग्रेस दोनों ही प्रत्याशियों ने सपरिवार मतदान किया। शाम 5 बजे तक 71% मतदान हो चुका था। फाइनल परसेंटेज अभी प्राप्त नहीं है, उम्मीद है 80% मतदान होने की उम्मीद है। गोरेला पेंड्रा मरवाही से संवाददाता उमेश अग्रवाल की रिपोर्ट। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।